Welcome back to my channel, guys. And you see a beautiful girl right next to me. She is Megha Mukherjee. We are collaborating for this video. She has a YouTube channel and she is insanely talented. And when I say this, I mean it completely. So aaj hum karenge bahut sari baatein is video mein. We'll try out some new makeup. Main Megha ka makeup use karungi, ye mera makeup use karegi. Mix and match karke hum jo pasand aayega utha lenge aur कुछ ये मेकअप करेंगे जो भी आपके सामने है. और बहुत सारी बातें करते हैं हम. पहले आपको डिस्क्लेमर देते हैं, वीडियो लंबी है क्योंकि हमने बहुत बातें करी है, बहुत बातें. और आप लोग को बहुत मजा आएगा ये देखने में. बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता चलेगा, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी. और मेकअप बताइए, आपके चैनल पे हम क्या कर रहे हैं? हमारे मेरे चैनल पे वी आर डूइंग अ ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज. मैं ब्लाइंड फोल्डेड होंगी, मैं कल मेकअप करूंगी. बड़ा प्रिटी शो है, ब्लाइंड फोल्ड होके भी कुछ अच्छा करेगी. हाँ, आप प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ऐसा नहीं, क्योंकि ये लड़की जो है ना बहुत टैलेंटेड है गाइस. और अगर आप लोग ना मेकअप के लिए सीरियसली मतलब कुछ सच में जेन्युइन कंटेंट देखना चाहते हो ना, तो शी इज द वन यू शुड गो टू. एंड इसका चैनल आप लोग गाइस फॉलो करोगे तो फाइंड अ लॉट ऑफ गुड लुक्स, मेकअप, सो मच इन्फॉर्मेशन. शी इज लाइक क्या बोलू मैं, एक मेकअप गुरु होता है ना वो. अभी प्रोफेशनल गुरु बन जाएगी कुछ टाइम में, बट शी इज आई डोंट हैव वर्ड्स, सो यू शुड डेफिनेटली फॉलो हर चैनल, सब्सक्राइब टू हर चैनल. लिंक अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले सब्सक्राइब करो फिर आप वीडियो में आगे बढ़ोगे. चलो प्रॉमिस करो मुझे, अभी पहले सब्सक्राइब करोगे आप लोग. इधर तो सब्सक्राइब कर ही लेना, उधर भी कर ही लेना, और दोनों जगह घंटा एक बार बजा देना जय माता दी के नाम पर. टैक्स इज रियली इंपॉर्टेंट. अभी ना रिसेंटली क्या हुआ है कि इफ यू आर अगर आपने वो घंटा बजा भी दिया है फिर भी वो फिर से करने से आपको क्वेश्चन आएगा कि इफ यू आर डूइंग इट फॉर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन या फिर कुछ पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस. सो चेक दैट, अगर इनके चैनल पे भी चेक इट अगेन बिकॉज नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे तो बहुत जरूरी है. और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना, दोनों के इंस्टाग्राम लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और ज्यादा बकबक किए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं. चलिए तो गाइस, अभी जो है मेरा और मेघा का ढेर सारा मेकअप इस बास्केट के अंदर है. इसमें मेरा भी है, इसमें प्रियंका जी का भी है. हाँ, और हम दोनों जो का पसंद आया हम लोगों ने डाल दिया इसमें. अब जो भी हमको अच्छा लगेगा हम वो हम लगाएंगे अपने मुंह पे. तो इस कोलैबोरेशन में हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, कभी नहीं देखा हमने एक दूसरे को. व्हाट्सएप, वॉइस मैसेजेस, एवरीथिंग वी हैव डन इंस्टाग्राम. एंड मुझे लिटरली याद तक नहीं था कि मैंने मेघा को, क्योंकि मैंने इसको फॉलो करना पहले स्टार्ट करा था. आई कांट इवन रिकॉल, क्योंकि एक डेढ़ साल से ऊपर हो चुका था. वन ईयर पूरा हो चुका है हम एक दूसरे को जानते हैं. एंड मैं कोलकाता आई था सबसे पहले, मैं किसी से मिली नहीं मिली, मैं मेघा से सबसे मिली बिकॉज आई रियली वांट टू मीट हर. सो यस, लेट्स सी व्हाट वी पिक अप फ्रॉम हियर. और बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्यूएनए और बातें. हम लोगों ने रैंडमली पिंटरेस्ट से क्वेश्चन लिया है. मेघा हैज पिक्ड अप व्हाट कलर बार. दिस इज द परफेक्ट मैच प्राइमर. आई हैव नेवर यूज्ड दिस वन, दिस इज हर्स. And this is Smashbox ka photo finish primer and I have never used it. I've always seen Megha ki isko use karti hai. I'm using it for the very first time. Ye Megha ka hai. Ye dekhne mein bahut similar hai. Dupe mil gaya hai. Dupe alert. Dekhne lagane ke baad we realized ki maine ye use kar liya hai color bar wala already and she has used this one. To chalo batao Megha laga. Color bar se bhi better hai. Obviously. Smashbox hai. High end hai. और थोड़ा स्मूथ है. बट हाँ, अगर आप ड्यूप बोलोगे ना कि थोड़ा सा ये ज्यादा स्टिकी है. कलर बार इज लाइक मोर स्टिकी बट इट्स नाइस. बट ऑब्वियसली गेटिंग अ प्राइस डिफरेंस है, 2000 से ऊपर का है. दिस इज आई थिंक 2900 3000 का प्राइमर एंड 600 और 850 का है. लेकिन 650 में आपको हमेशा नाइका भी मिलता है. तो मैं पूछती हूँ मेघा, मैं ये लगाऊंगी पहले, ठीक है? हाँ. So I'm gonna ask you, what's your worst celebrity? Worst celebrity? कौन सा फील्ड में? Celebrity in sense कि आप maybe movies में हम ले लेते हैं, आपको कौन सा celebrity सबसे पसंद नहीं है? Worst? सोचना पड़ेगा, tough question है यार. कितने लोगों को offend करूंगी मैंने. लेकिन I think अभी मेरे के लिए थोड़ा डार्क है.
सो मैं अभी मेगा के कलेक्शन से मैंने ले लिया. देखो फाउंडेशन तो मुझे लाइट हो गई हो रही है मेरे से बहुत. तो दिस इज निक्स का टोटल कंट्रोल ड्रॉप फाउंडेशन, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग. मुझे ये ट्राई करना था लेकिन मेघा मेरे को हमेशा बताती रहती थी कि इट्स वेरी गुड. तो आज मैं इसको शिट ड्रॉप ड्रॉप. मेरा क्वेश्चन है I'm going to use this sponge that I got from the plume co. So I'll also leave their Instagram page ka details, everything in the description box. As I told you, it's so light. Hana? Still will have to manage now. Till date, I don't own a single high-end foundation. I'm pretty sure you're going to buy Fenty. Yeah, Fenty, yeah. Oh wow, this is amazing. And color is perfect. Haan. I don't need to think, are which color I'll do. You can just order this one. And I took one pump and it covered my face. That's amazing. Hmm. What makes you most nervous? Okay. I have to think about it. What makes me most nervous? Generally, I'm not nervous in any situation. Because I have a lot of self-confidence, I think. As much as I don't want to be. But nervous, if I'm a lot थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ अगर आई एम परफॉर्मिंग ऑन अ स्टेज मे बी बिकॉज आई डांस. सो पहले तो मैं बहुत ज्यादा परफॉर्म करती थी. आई वाज़ यूज्ड टू डांस. हाँ सो पहले मैं डांस करती थी तो अभी भी मैं ऑफिस पे कभी कभी करती हूँ तो ऐसे कभी थोड़ा सा पब्लिक अपीयरेंस हो जाए तो थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाती है. फॉर अ लाइट स्पंज बहुत अच्छे से मेरा मेकअप ब्लेंड हुआ है. इसका डिटेल रिव्यू भी मेरे चैनल पर आप लोग देख पाओगे. एंड बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हुआ है. इस पर रिव्यू जो करते हो ना इट्स लाइक जस्ट वी स्टार्ट रिव्यू समथिंग. इट्स सो ऑनेस्ट. नाउ शी इज डाइंग. नो आई एम गोना डाई. या इट इज सो ऑनेस्ट. 100% ऑनेस्ट. आई थिंक अभी वी वांट यूट्यूबर्स लाइक दिस. वी डोंट वांट शेडी पीपल एनीमोर. सो आई नो मनी इज इम्पोर्टेंट बट देन इफ समवन इज ट्रस्टिंग यू आप बोल रहे हो और लोग चीजें खरीद रहे हैं. And if I'm totally out of the frame, I'm touching Miko. So next, what are we going to use? Concealer. So I have this one from LA Girl Pure Beige. ये मेरा है ना Pure Beige. हाँ ये मेरा है. डार्क शेड हाँ ये लगा लो. तो बेसिकली हम एक ही कंसीलर यूज करेंगे दोनों. और हम आपको बहुत बार झुकते और इधर उधर देखते मिलेंगे. आपको टेक्निक्स भी दिख रही होगी क्योंकि मेगा का टेक्निक वो बहुत अच्छी है मेकअप में. एंड मैं अच्छी नहीं हुई इतना मेकअप मैंने मेरे को बहुत दैट इज ट्रू. तुमको बहुत अच्छे से करना आता है. मैं इससे सीख रही हूँ फिलहाल. शी इज गोना टीच मी. शी इज गोना टेक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑन दिस एंड शी इज गोना लर्न एंड शी इज गोना टीच मी एवरी डे. रोज आऊंगी वीडियो कॉल करके बताऊंगी आज ये सीखा. सो या हूज द लास्ट पर्सन यू हग. द लास्ट पर्सन आई हग यू टुडे. ओह माय गॉड. आई डिडंट इवन रियलाइज ये क्वेश्चन पूछने से पहले कि आज इसने मेरे को हग करा है. सुबह जैसे ही मैं इसके घर के बाहर आई एंड शी हग मी एंड वी वर लाइक ओह फाइनली वी गॉट टू मीट. आई हैव अ गुड क्वेश्चन. देखा हाँ. टेल मी योर ड्रंकन स्टोरी. कोई भी. हाँ आई रिमेम्बर वन. ऐसे तो आई हैव बीन ड्रंक मे बी 10,000 टाइम्स बट नो जजमेंट. हाँ नो जजमेंट. सो एक बार ऐसा हुआ था विद माई फ्रेंड्स. आई वेंट आउट. मैंने ड्रिंक करा था. मैंने ड्रिंक करा था और मैंने उतना कभी ड्रिंक नहीं करा था. और ये 3-4 साल पहले की बात है. तो मैं तो फर्स्ट टाइम मैंने इतना ड्रिंक करा एंड आई वाज द फर्स्ट टाइम आई वॉमिटेड आफ्टर ड्रिंकिंग. और वो भी मतलब लोगों के साथ बैठ के कभी ऐसा नहीं होता. जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ बैठी वॉमिटेड एंड देन उसके बाद आई स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स एंड एवरीवन वाज पार्टिंग एंड एंजॉयिंग इन द हाउस. एंड देन हम रात को निकले सब हाईवे पे. गाड़ी रोक कर हमने गाड़ी की डिक्कियां खोली. साउंड में पंजाबी गाने और पूरा भांगड़ा चल रहा है. मेरी स्टाइल पार्टी है ये तो. पूरा हाईवे पे मतलब हम लोग मतलब दैट इज वन थिंग आई नेवर फॉरगेट. वो एक दिन मेरा वो एक ड्रंकन स्टोरी आई कैन नेवर फॉरगेट. वो जो ड्रिंक करके उस दिन आई कैन नॉट गेट ड्रंक. आई विल नेवर गेट ड्रंक. ओह माय गॉड. बिकॉज यू डोंट यू आर लाइक टू. नो नॉट एट ऑल. वो तो नहीं चढ़ती नहीं है. आप कुछ भी करो नहीं चढ़ता. फाउंडेशन ये जो है इतना लाइट है कि अगर 4-5 drops ही लगाए ना यू वॉन्ट रियली फील इट. अगर एक दो शेड लाइट डार्क हो गए तो डजंट मैटर. चेंज योर फर्स्ट नेम. वॉट वुड यू चेंज
change it too. I don't like my name, but I have never thought of it. Yeah, think of it right now. Ye tricky hai. So this happened to me once. Tumhara ye bronzer ho jayega, pata hai? Haan, wahi lag raha hai. Okay. You can use it as a bronzer. ये तो मेरे लिए डार्क है, NC42 है ये मैक का. पता नहीं कि पागल है, 27 रुपए का सामान है मैक वालों ने. मेरे को मैं 42 नहीं हूँ यार. Anyways, 35 तो होगी तू. 35 मेरे लिए थोड़ा सा येलो होता है, इसलिए मैं 37 मेरे को सही आता है. इसका फाउंडेशन लेवल 37 है. मेगा का ब्रश है गाइस, कॉम्पैक्ट है. सो वेट एंड वाइल्ड का ब्रश है मेगा का. तो बताओ फटाफट. मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे अपना नाम पसंद नहीं है, कभी नहीं था. अभी अपना एक नया नाम चूज करो. क्या नाम चूज करो? कुछ अच्छा सा, कोई ऐसा नाम जो तुम्हें बहुत पसंद हो. मुझे कोई नाम पसंद. तो तुम नो नेम होना चाहते हो, मतलब नेमलेस. मुझे नाम क्या होना चाहिए? तुम्हारा नाम होना चाहिए था समांथा. समांथा मुखर्जी. नहीं यार, इतनी सुंदर है सामने से, मैं इसका से मेस्मराइज हो गई देख के. आई एम लाइक इतनी सुंदर है, काश मैं लड़का होती और ये मेरे को मिल जाती है. बड़ा लाइक शादी हो चुकी है. गा हैज अमेजिंग यहाँ पे होल थिंग. इसके इतना अच्छा, इसके पास मेकअप एंड स्टफ है कि क्या बताऊँ मैं आपको. इतना अच्छा ऐसा कलेक्शन है. इसकी कलेक्शन देख के मुझे लग रहा है मुझे आगे बहुत कुछ खरीदना है. आई गॉट समथिंग, सो आई एम यूजिंग दिस वन. भामा जो मेरे चैनल से वो तो जानती है, हमेशा मैं यही लगाती हूँ. इसका फेवरेट गो टू प्रोडक्ट. मैं जो जो बता सकती हूँ तुम्हारे गो टू फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, प्रीटी श्योर तुमको स्मैश ब्रॉक का प्राइमर बहुत पसंद है. ये निक्स वाला फाउंडेशन यू रियली यूज अ लॉट. बहामा मामा, और उसके बाद तुम अपना ये स्मैश बॉक्स का कहाँ गया वो ग्लिटर पैलेट, छोटा ग्लिटर पैलेट तुम्हें पसंद है. ये छोटा वाला जो तुम मुझे दिखा रही थी, यू रियली लाइक दिस वन एज वेल. ये पता है मैंने यूज नहीं करा वाला, बट इसका कितना बढ़िया. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है. आज तक ये नहीं पता है कि ब्रॉन्जर और कॉन्ट्रोल में क्या डिफरेंस है. सो गाइज डोंट जज मी. ब्रॉन्जर होता है, लगा दो. हाँ, लगा दो. तो ब्रॉन्जर यू आर सपोज टू कलर योर फेस विद अ ब्रॉन्जर, कि कलर, क्योंकि अगर कैनवस की तरह सोचो तो हमने व्हाइट पेंट कर लिया है, वी वांट डायमेंशन. तो ब्रॉन्जर है कि ऑल ओवर एक कलर देगा, जैसे सन किस्ड लुक. कॉन्टोर होता है स्ट्रक्चर कटिंग, जो हम बोलते हैं कि इससे भी डार्कर शेप. ब्रॉन्जर कैन बी वार्म टोन, कॉन्टोर हैज टू बी कूल टोन एंड लिटिल बिट डार्कर. सो इसमें स्ट्रक्चर जो कटिंग आता है वो कॉन्टोर से आता है. और ब्रॉन्जर तो हम हमेशा करते हैं, बट मेरे को आज तक, मैं सर्च भी करा कई बार, मुझे इसका जवाब नहीं मिला. देखो ब्यूटी गुरु, देख लो आपको किसको फॉलो करना है और किसको सब्सक्राइब करना आपको पता है. सो गाइस यू कैन सी द कट, मतलब काफी यहाँ पे अच्छा लग रहा है जो होल थिंग है यहाँ पे. और यहाँ पे तो बस वही है, वही पुराना चेहरा और वही पुरानी बातें. और कॉन्टोरिंग शुड ऑलवेज बी डन विद अ प्रिसाइज ब्रश, एंड ब्रॉन्जर कैन बी डन विद अ फ्लफी ब्रश. दैट इज प्रिसाइज ब्रश, एंड आई लाइक टू कॉन्टोर हियर अप, जहाँ पे लगता है कॉन्टोर करना उससे ऊपर करना चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ इट लुक्स गुड. सो नाउ दैट इज अ कॉन्टोर. I can really see the difference. It feels amazing. It does not look powerful or feel powerful. It doesn't look like कि आपने कुछ ऐसा लगा लिया है. It looks fake or something like that. Story of my first kiss. First kiss, last kiss, क्या बताऊँ मैं? Last kiss तो खैर पता है. First, last 100 kisses for my husband, then my boyfriend, now my husband. Then my boyfriend, now my husband. He was my boyfriend. Abhi toh wo mera husband hai, so I'm allowed. It's legal and I can do whatever. Controversy nahi mili yaar. Chalo, is ladki ko koi aisa question diya jaye jisko matlab jawab mile hame kuch acha sa. Ye face iska hai na? Ye mera nahi hai. Again, so main ye blush use karungi yahan se. Ye acha bronzer hai. Okay, so scariest thing you have ever done? Scariest thing that I have ever done? I have broken into a school. हमको जब भी खेलने जाते थे सब, तो I used to climb on the walls of the total mohalla. I used to travel the mohalla on the walls. Okay. So I did that. So I took a friend with me. So he was like, I was like, you know, the tomboyish kind of. I got good about. तो उसने बोला कि मैं भी जाऊंगा तेरे साथ, मेरे को ले चल, मेरे को ले चल. फिर ओके,
आई डोंट नो क्या आया मेरे दिमाग में, स्कूल था मेरे वहाँ पे, मैं नहीं पढ़ती थी उसमें, बट नेबर में स्कूल था, तो चलते चलते मैं स्कूल के पीछे वाले वॉल में जा पहुँची. तो आई वॉज वॉकिंग एंड स्कूल छुट्टी था तभी, मतलब हो रहा था अभी, तो किसी ने देख लिया, आई थिंक गार्ड वार्ड ने देख लिया, तो मेरे को तो आदत थी, मैं तो भाग गई. वो बंदा, उसको पता नहीं चला कि स्कूल के अंदर कूदना है या बाहर कूदना. रॉक. I'm pretty sure about that. So yeah, अब क्या करेंगे हम, अकड़ा लिया है मैंने. I'm gonna use this essence make me brown gel. मैं जब भी इसको नाएगा मैं ढूंढती हूँ, हमेशा और स्टॉक होता है. माई बैड, बट चलो कभी ना कभी आई उम्मीद है जिंदगी में ये मिलेगा. The shade is सिया बी एंड ओके. सो मेघा वाज टेलिंग मी कि ये भी उसको गिफ्ट में किसी ने ला के दिया था, इनके किसी फैमिली फ्रेंड ने, फ्रॉम ओमान. में हम अभी बैठे हैं उन्होंने, हाँ इन्हीं के घर पे, फ्रॉम ओमान शी गॉट इट फॉर हर. वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, नार्निया और हैरी पॉटर? आई हैवंट सीन नार्निया, हैरी पॉटर मैंने सारा देखा है. तो हैरी पॉटर, मैं डाई हार्ड हैरी पॉटर, हाँ मैंने बचपन में मार खाई है हैरी पॉटर देखने के लिए. That was really funny. My mom used to drag me. इतनी गधी थी, टीवी पे चलाती थी, तभी सीडीज थे याद है, तो चलता था. मैं ना वॉल्यूम लो करके वो जो स्पीकर कान में लेके सुनती थी, बोलते मम्मा को तो पता ही नहीं चलेगा टीवी चल रहा है सामने, पता कैसे नहीं चलेगा. She used to drag me by my leg and beat. She like this one. What are you? अच्छा, you have done that. Essence. तो मैं यूज कर रही थी लॉयल का ब्राउन, और इसी के रिकमेंडेशन से मैंने ये खरीदा था. मुझे बहुत पसंद है. I definitely take makeup recommendations from her, and I know you guys should take recommendations from her too. चाहे जो भी हो जाए, you should take recommendations from her. अगर आप लोगों को जानना है अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो she has very good. Now मैंने मेघा का पैलेट फिर से उठा लिया, सोफेक्स मेरे को बहुत दिन से यूज करने का मन था, मेघा के पास. Oh my god, सब ये अच्छा बन गया. एक्स्ट्रा स्पाइस है ये, एक्स्ट्रा स्पाइस, सोफेक्स का एक्स्ट्रा स्पाइस. तो ठीक है, मैं क्या, मैं आपको कलर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दिखाऊं, बट आई एम टेकिंग अ ब्राउन शेड. तो अगला क्वेश्चन मुझे करना है मेघा. हाँ ओके, वेट. What do you love most about yourself? That I'm honest. Oh, that's the best thing, and that's the thing I really love about myself as well. And मेरे को ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद है जो honest होते हैं, क्योंकि see एक चीज़ होता है, I cannot lie, होता है ना, क्यों कहते हाँ situation में, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, but there are situations that I first of all I cannot lie, I cannot take anyone's side if they are wrong, no matter if they are my parents either. जीते हो ना अपनी जिंदगी को, आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, आप हमेशा रहता है मैंने कुछ गलत नहीं करा. एग्जैक्टली, मैंने कभी किसी गलत चीज का साथ नहीं दिया. एंड आई डोंट थिंक दैट, एंड आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट, बिकॉज आई एम अ पर्सन who loves honest people. I am honest and I really appreciate honest people. In my family even aisa hai ki kuch hua na, even bade bade logo mein agar kuch hua na, to actual fair decision unko pata hai kahan se milega, wo mujhe phone karenge, ye hua hai ab bolo kaun sa hai. Maine kaha mujhe is beech mein kyun mujhe gussa aa raha hai, bachche ko jaan kyun le rahe ho. So yeah, okay. So that's a very good thing. बेसिकली आप मुझे आगे पीछे नाचते हुए देख रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट से आगे. एनीवेज, तो एक बहुत अच्छी बात है मेघा के बारे में. स्ट्रेच शेड लुक्स सो नाइस. उससे पहले मैं थोड़ा डार्क ब्राउन चाहता हूं, ले लो, मैं मैक पे ले लेती हूं. हां हां, ये इतना महंगा क्यों होता है मैक का आईशैडो? पता नहीं, तो लिया ही नहीं आज तक. मुझे वो एम्बर टाइम्स नाइन अच्छा लगा, फिर लगता कि ऐसे नॉर्मल पैलेट में भी मिल जा रहा है ना. ये तो एम्बर टाइम्स नाइन ही है ना, ये है ना एम्बर टाइम्स नाइन. আজ ইউজ করো তুমি, তো এটা দেখে দাও, ইব্রাশের এটা আমার সামনে দেখো, মানে বক্সটা, এটা কিন্তু বলে দাও.
मैं देखी थी मेरे प्रॉब्लम। तो गाइस आप लोग जरूर अभी देखते रहो मेघा कैसे मेकअप कर रही है अपना मेकअप। मेरे पहले क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, डू यू फील लाइक योर आउटसाइड अपीयरेंस इज अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु यू रियली आर? I completely believe in that and I really feel that is true because I know the way I look, I am same inside out. मैं जैसे दिखती हूँ वैसे ही मैं अंदर भी हूँ। मेरे को ये dual colors हैं, दो तरह का इंसान बनना पसंद ही नहीं है मेरी जिंदगी में। मेरे पास इतना टाइम है फालतू का कि मैं ये करती चलूँ। तो आई रियली फील कि कोई बंदा अगर मेरे साथ है तो उसको पता चल जाएगा कि मैं जैसी अंदर से हूँ वैसे मैं बाहर से दिखती हूँ और दैट इज ऑल अबाउट मी कि मतलब भैया मेरे को ऐसे ही रहना पसंद है। Good thing, people should stay, you know, how they are. They should look the way they are from inside. So that sometimes मैंने ऐसे सुना है लोगों से, they say कि you cannot be who you are for the purpose of survival. I don't believe in it. ऐसा नहीं, कितना फेक करोगे यार, कितना फेक करोगे, that is not how it works. और इतने साल से हम यही पॉलिसी से जी रहे हैं ना। So I am using this shade on my crease, pigmented. ये कलर ऐसे दिखता नहीं है नॉर्मली। ये कलर बट ये अच्छा है, नो आइडिया मैं कर क्या रही हूँ, बस कुछ भी कर रहे हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस एंड हैविंग अ फन सेशन, दैट्स इट। फन सेशन, ट्राइंग न्यू मेकअप। हाँ, ग्लिटर्स है हमारे पास। हाँ, ये दो ग्लिटर्स है स्विस ब्यूटी के, एक मेरा है एक अमेरिका है। Write three things that bring joy to you. Write तो नहीं हो सकता, but tell me about three things that brings joy to me. I think filming, okay, videos बनाना, no matter. By the way, why I'm saying this is मेरे दोनों दांतों पे भी root canal हो रखा है. I was on bed for 4 days, but today I'm filming and I already forgot about it. So that is what the love for filming, yeah, and the love of YouTube. ये कुछ अलग है, मतलब नॉट ओनली यूट्यूब, द थिंग दैट यू लव डूइंग विल ऑलवेज कम लाइक दिस टू यू। आई लव वॉचिंग मूवीज, लाइक गोइंग टू थिएटर एंड वॉचिंग मूवीज, आई लव। सो तुमको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगी थिएटर में, मतलब अपने कुछ फेवरेट बताओ। हाँ, रिसेंट टाइम्स आई लव आर्टिकल 15, अलादीन बहुत अच्छा लगा मुझे, ऑब्वियसली एंड गेम देखा है ना। मुझे एंड गेम में ऐसा लगा ना मेघा कि बस जबरदस्ती एक सीरीज बनानी थी तो दे जस्ट, पता नहीं अभी आई थिंक एंड गेम के बाद जो आने वाला है, अभी आज ही मिला मेरे को ब्लैक विडो का एक सीरीज आने वाला है, मार्वल का पोस्टर है। मैंने सोचा सुना है कि एंड गेम का फिर से रिलीज हुआ इंडिया में, होगा अभी तक हुआ नहीं है, सॉरी हुआ है 6 मिनट का कोई री एडिट है ऐसा कुछ है, उसके लिए लोग दोबारा क्यों देख ले जाएंगे। मार्वल फैन, आई एम ऑल्सो वेरी बिग मार्वल फैन, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि एंड गेम थोड़ा और ज्यादा अच्छा होगा, जब आ रहे हैं मैं को बाहर डालना, जब लास्ट में मजा आया एंड गेम में, मतलब बेसिकली लास्ट में मजा आया एंड गेम में। आई वाज लिटिल लाइक वो क्या रहा है, मैं रो ही देती तुम वहां पे, बिल्कुल मैं रोती नहीं हूं। यू नेवर क्राई? ओके, सो अ फैक्ट अबाउट मी, आई एम साइकोलॉजिकली डिसेबल्ड, आई विल टेल यू व्हाई। साइकोलॉजिकल बुक में ना ऐसा होता है कि 3 पॉइंट्स, आई एम सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग एनी साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट, बट माय फ्रेंड वाज स्टडीइंग साइकोलॉजी, शी टोल्ड मी। सो ऐसा होता है कि बच्चे आफ्टर दे आर बॉर्न, इफ दे डोंट क्राई, इफ दे डोंट क्रॉल एंड इफ दे डोंट टॉक लाइक यू नो बेबीज हाउ दे टॉक एंड हकलाते हैं वैसा, ऐसा कुछ ना करे, सो दे आर सेड एज साइकोलॉजिकली डिजर्व। आई हैव डन Like, I have not done any 3 of that. तुम कभी नहीं रोई हो? No, मतलब पैदा होने के बाद मैं नहीं रोई हूँ। I was a blue baby. The delivery, it turned out to be a forceful delivery. It was not supposed to be. So I got stuck. So that time wastage of me coming out of my mother's womb, that has led to no oxygen in my body. So I was totally blue. So then I'm glad that you're okay because a lot of babies don't survive. And survival से भी ज़्यादा बहुत mental issues हो जाता है। That is why I think they are called first of all forcing babies because the suction method is they suck out your brain because you're ulta, not brain.
the head. I found it so gross, brain. So I am sad, that's a different part. But when something really bad happened, I was stoned. I cannot cry. Even doctor told, like, there was this thing in my house that don't let her cry, don't make her cry. I feel like it's a very difficult situation for me to cry when I'm sad. That's something I have not heard. Like, कभी सुना नहीं है मैंने ये चीज़ें. बहुत नया एक situation मेरा ने मेरे को बताया है. Alien. Literally है. And this one is in the shade 03 champagne from Swiss Beauty. ये मैंने आपके recommendation से लिया. हाँ. और आपने मेरा color different है और आपका color different है. Four है. हाँ. What is your biggest day to day challenge? Cooking. I find it so sad. Not interesting. I can't tell you. I'm trying to basically. एंड देन यहाँ पे जब हम आए नए वाले घर में तो यहाँ पे हमें कोई मेड पहले तो इनिशियली मिली ही नहीं खाना बनाने के लिए. तो मैं किसी तरह बना रही थी. फिर अभी तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो चुका है. आई सो डोंट वॉन्ट टू डू इट बट आई हैव टू बिकॉज आई एम जस्ट आई डोंट हैव एन ऑप्शन बिकॉज इवन फॉर इफ नॉट फॉर माई सेल्फ मेरे को खुद नहीं भी खाना बना के खाओ तो चलता यार. इट्स ओके. लेकिन घर के लोग अगर मुझे ऐसा लगता है ना राज ने नहीं खाया ही इज हंग्री तो that wife wala instincts make me cook even if I don't want to. Okay. तो तुम्हें मैंने question किया था. तुमने मेरे को question किया क्या अभी? हाँ तो तुमने मुझे question किया about the cooking thing. Okay. So yes, मेरा बहुत मुश्किल काम है. एक मौका मिले और मैं ये करना छोड़ दूँ. Literally. I be successful in life, I'll owe the half of it to her. She has been so supportive, like not being from family, not being my relative, basically nothing, a person I know from internet. She has been, see I'm getting goosebumps while I'm saying. She has been so supportive every day. If I like, even my YouTube count of my monetization starting है, I will snap it and send it to her. मुझे बोले कोई नहीं हो जाएगा. अच्छा अभी तो हो ही गया है. Every time if she gets to know something about YouTube, Instagram, she will come and text me कि I got to know this, you should try it. Every time. So that's you are like one of the biggest part if I ever be successful in life. I'm just spellbound. मेरे को पता नहीं मैं क्या बोलूँ इस चीज़ में. That's true. But I really think that I never had someone to support from this industry. Yeah, I get a lot of support and a lot of knowledge from her because she's a very in depth knowledge of makeup. इसका पूरा domain ही makeup है. मैं generally 50 तरह की videos बनाती हूँ but I learn a lot of things from her. I get so much positivity from her and I never feel like कि मैं ना किसी इंटरनेट से कोई ऐसा बंदा है ही नहीं है जैसे आज तक ना जिससे मैंने इस तरह का. I'm sorry if you know someone who is genuine but even मेरे पास ऐसे किस्से हैं. I think I've told you about the benefit thing. Yeah. So there are people who are big on the internet but in real life they're so shady. Really. So freaking shady. So that really scares me. This one. Yeah, okay, so give me two more. Okay, one is you, one is definitely my parents. They have always been supportive. I am really glad Megha's parents are so supportive. There are very few people इंडिया में कहाँ कोई पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते अपनी बेटी को कि जा तू मेकअप सीख तू मेकअप कर तू इसी में एक्सेल कर इफ यू लव इट. एंड आई हैव सीन दैट इन हाउ पेरेंट्स. Yeah, so yeah, that's cool. It's a very nice palette यार. कितना अच्छा पिगमेंटेशन है. मैंने अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया स्मैश बॉक्स का
again all the high end and nice makeup stuff from Megha. But I don't have the main high end products, you know, no foundation, no compact, nothing in that end. पता मैं तुमको बताऊँ, मेरे को ऐसा लगता भी नहीं है कि फाउंडेशन कॉम्पैक्ट तुमको हाई एंड लेने का कोई जरूरत भी आज तक नीड नहीं लगा. हाँ, फैंटी आई रिंग की था. हाँ, ये एक चीज है जो रिकमेंड, लेकिन मैं बेका का 4000 का हाइलाइटर खरीदा था यार. 500 रुपए का हाइलाइटर भी वही काम करता है. तो बेसिकली आई प्रोडक्ट्स तो हाई एंड बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ज्यादा. ये पैलेट में इतना अच्छा नहीं है ना. इट्स नॉट दैट गुड. आई थिंक ये वाला और भी ज्यादा पिगमेंटेड है. So I've applied a little bit of glitter on my inner corners. So, तुमने 3 euros बता दिए मुझे? हाँ. Parents? दो बताया. दो बताया. तीसरा बताओ. तीसरा question क्या था? That I'm inspired. Question is कि who are your three real life heroes? Okay. I think the other will be Jeffree Star. Jeffree Star fan you are? I am. See, I always like Jeffree Star no matter what spill the tea he does. But after the Shane Dawson thing, have you watched that? I'll send you a link. Oh my god, the struggles that that guy has been through and being not being straight at that time and that owning up to it, it's amazing. Now the time has changed. We all are open to you know this whole right thing. But us samay mein aaj se kuch saal pehle it was not from nothing to accept. Like from basically from trash, he has built an empire. He has built a whole empire with it, and the product, the quality. I think I have not seen a single review of Jeffree Star product that is bad. Bad, really. Oh my god, the investment. See, we have Kylie Cosmetics too. She is a billionaire, he is also a billionaire. But it depends on ki tum apne paas kya rakh rahe ho profit mein aur audience ko kya de rahe ho. I think Jeffree has killed it for me. So I think he's a Jeffree. Very good human. I really like Kaushal as well. Kaushal beauty is also so good. I really like her. मतलब कुछ साल पहले तक जब मुझे पता भी नहीं था क्या होता है YouTube और ब्यूटी, मैंने कौशल ब्यूटी को देखा है इनिशियली स्टार्टिंग में, एंड देन वही है, कोई अच्छा सिखा के जाता है तो लाइफ में बहुत कुछ सीखने को है. यू हैव टू ग्रैब द नॉलेज एंड दैट पॉजिटिविटी फ्रॉम द राइट प्लेस. एंड वन थिंग अनदर थिंग इज we should not judge people on what we see on Instagram or internet media. Internet and Instagram, because that's not true. I think not everybody portrays their own self, and if they are not happy, if they have said something that is that you think is wrong, don't just go and comment shit. Right. You don't know everybody. What going it's a democratic country. Yeah. You have your own rights to say what you want. So yeah. We have again Megha's collection. She has highly recommend this one. This is a stroke of genius, illuminating palette from NYX Cosmetics. I got to use a lot of NYX products. It's blinding. Ah, it's so good. Yeah. Buy this shade the next time. I think you should buy the whole kit. It's really nice. You don't know what's wrong with these fan brushes. It's not they like don't that. Work. They don't work. Use this. I thought only mine doesn't work. Use the blush. It's amazing. From Wet n Wild Care, na? Iska baked blush hai. Don't flatter yourself. Aapko pata hai na mujhe kitna pasand hai. First, if you see the pan, I highly recommend this to you. Yeah, if you see the pan, you will be shocked. This is a highlighter, this is not a blush. But then the swatch is so amazing. And it's just perfect. The perfect shade for your skin, don't you think? I love it. Does it feel like you have a highlighter? Lagaya, tum pura laga lo, or it's oh my so flash good. Photography, man, this is going to kill it. Yeah, and it's cheap as well. It's for $2.99. Yeah, it's a good thing again. I really like it. How did you start your YouTube channel? I used to watch YouTube like a crazy junkie. I am a fan. Like I used to watch every video that used to come. So be it Jeffree, be it Kaushal, everything. So my mom would tell me that why are you watching it if you don't want to do it? I was really confused that my mom thinks I should do it. It's like that. Then she told my dad, or I told my dad, I don't remember. So they said, yeah, that's a good thing, you should do it.
And of course, all the other people came and they were the kind of acceptance you've got. It's so good. And my friends also. My friends were like, dude, you should do it. I had a blog which I used to write on. I didn't really enjoy writing. That it does not come naturally to me. So then my friends also used to push me, do it, do it. I said, yeah, I need to do something in life, you know. And that you love. That you I love. This thing I told my sister also yesterday. That a lot of people come up to me and they ask ki humko aage kya karna chahiye, hum kya kare, hum kya nahi kare. I just gave them this one answer. Aisa kuch lines tum pick karo na jisko tum life ke aage 50 saalon mein karte hue enjoy karo. Exactly. Zabardasti kuch aisa pick mat karo jo tum thak jao jaise. Like I did engineering. I didn't enjoy it. I'm doing what I enjoy right now. So theek hai, you should pick something out ki jo and also it's never too late. It's even if you are like, arey maine to kar liya, it's not too late. Do anything. Pick a hobby. It's I think abhi na, now in this generation, people are not picking up hobbies. That's very sad. And you might not get it now, but then when you grow older, it's going to kill you, honestly. And I do a full-time job because you need a job for earning, right? And to live your life. But then I do YouTube as well because this is my passion and I really enjoy doing this. So again, this is my mascara, the Benefit Bad Girl Band mascara, my favorite one. This is really looking nice. I have focused straight lashes. Yeah. My lashes you should straight. Try this one right now. Yeah. It's looking really nice. It's like, I remember she went to a honeymoon and she used to video karke meko dikhati thi ki Sephora mein cart mein kya hai. She's the only one I know जिसको मतलब मैं जिसने मैं makeup discuss कर सकती हूँ like I have no one apart from her. She's the only one. वो था then I got a camera. So I got my 80D that I shoot in and my parents were obviously supportive. Then I filmed a video. Then the contemplating started. Should I upload it? I told my friends are like, when are you uploading? And here I am dying to press the published button. Then my boyfriend called and he's like, you have to upload it. I'm like, this is 2 a.m. He's like, I don't care. I'm like, what? He's like, upload it. After aake band karke I press the button, it was uploaded and that feeling that you get after you are uploaded. Like, shit. That is really something, you know, matlab bahut acha feeling hai, bahut zyada acha. And then in the morning the response was I slept and then I don't want to see anything that's happening. So then the next morning my friends are texting me saying that, and my boyfriend was keeping track, who is watching? Yeah, who is watching? And then my friends called me and they were like, you know what I was telling her, and she like some other friend, they are showing me the screenshot ki Megha ne video upload kara hai, dekh abhi so kyun rahi hai pagal. That I'm like, oh my god, you got such a great support from your friends. I had friends used to make fun of me, you know, for this. No, I have very small group of friends because now I know who are real and who are not. So again, new lipstick from Megha's collection. This is the L'Oreal Paris Rouge collection and the shade is Explore. So I'm trying it for the very first time. You should try the bright one because your eye makeup is bahut neutral. Oh my god, the font formula is so watery and yeah, it's like nothing. It doesn't feel like you've applied anything. Tint like formula. Hey, मुझे बिल्कुल भी ना heavy lipsticks पसंद नहीं है. जो मतलब बिल्कुल मेरे को परेशान ना करे, लेके अप्लाई समथिंग. आई एम लुकिंग फॉर काजल. डू वी हैव काजल इन हियर? शुड आई अप्लाई दिस? दिस ना मस्कारा लगा लेती हूं पहले. सो आई एम यूजिंग द बैड गर्ल बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम. आई हैव डन माय लिप्स. अब क्या मैं इंग्लिश न्यूट्रल हूं? अभी तुम इतना चमक रही हो, तुमको हाईलाइट पता नहीं है अभी. So this is how, you know, this is actually how I apply mascara. I keep the mirror in here flat so that I can see whole lashes and where I'm coating. I need to learn a lot of things from you right now. Pata hai, abhi mere ko bahut kuch seekh ke jana hai. So I really feel like, oh my god, this is so good. It is like it separates each and every lash like magic.
And it also elongates. Nice and big. Yeah, it elongates. I have the biggest problem with mascaras. Its good dupe is Maybelline ka falsies Rishabh Rama mascara. But that mascara, it just rips your lashes off when you take it off. Because wo nikal le raha tha right now, then that it holds me. It's very good. मतलब अभी मेरे को मेघा ने बताया था ना, रियलाइज की हाँ मैं जब भी उसको रिमूव करती हूँ तो ये बहुत सारा लैशेस में निकल जाते हैं, इट्स टू हार्ड टू रिमूव एंड अगेन इट्स अ गुड मस्कारा. माय लैशेस आर गोइंग बाल्ड, मतलब टकली हो रही है. चलो फ्यू डेज आई लिटरली फील कि मेरे को ऐसे जरूरत पड़ेगा कि आई हैव टू गेट लैश एक्सटेंशंस. एक्सटेंशन तो क्या इम्प्लांट होगा? इम्प्लांट सर गाइस, आई डिड नॉट हैव ब्राउज, आई हैड रियली थिन आईब्रोज. I've seen that picture a few days ago that you posted. Really thin eyebrows. Then what? The first eyebrow thing I used was Maybelline ka jab aaya tha na, ek sponge tip tha in fashion brows. So I just bought it randomly. I was not in. I used to heat leak, like not even lip balm. And now see, she's a makeup enthusiast. She's teaching people how to do makeup and so much. That's crazy. So much about makeup, right? So. I'm done with my makeup and now Megha is just doing her makeup and we are having this chit chat. So I got that. Mm-hmm. So I started filling my eyebrows. Then I saw that my eyebrows are growing thicker. So it is happening. It's same like your hair. If you massage it, the blood circulation makes your hair grow thicker. So that is the same with eyebrows. If anyone of you don't have eyebrows, try brushing them. Even if you don't use a product, use castor oil and a spoolie and brush them really nicely. That can really help. Yeah. And that has helped her. Yeah. We've been seeing the result. Itna bhi broad eyebrows, itna achha eyebrows. I don't go to parlor. I think it's been 2 years I haven't visited a parlor. And it's in shape. Matlab, aisa bilkul bhi nahi hai ki yahan se koi growth hai ya wahan se koi growth hai. I do it with those face razors, hota na shaving wala. Main bhi beech mein kar rahi thi, but then kya hua? मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया था तो देन आई स्टॉप आई अगेन वेंट टू द पार्लर. मैं 2 महीने भी नहीं रही होता इधर उधर, आई डू इट ऑल्सो बट फिर मैं चली गई कि चलो ठीक है, वी हैव टू गो विद टू इट. दिस मस्कारा इज रियली नाइस ना, दैट्स व्हाई आई से दिस इज माय फेवरेट मस्कारा. इट्स रियली नाइस. सो नाउ लिपस्टिक गेट्स रिमूव्ड इजीली, डजंट हार्म योर लैशेस एट ऑल. यू डिडंट ट्राई द विक्टोरिया सीक्रेट हाइलाइटर? दिस वन. ओह, आई विल जस्ट पुट अ लिटिल बिट. या टेक इट ऑन योर फिंगर. I think I'm going to use the champagne pot. Use. Yeah. You should try something new, right? I've heard so much about champagne pot. Let's see. Does she like it or not? First reaction about Becca ka champagne pot. Okay, here it goes. Oh my god. This is blinding. But you know what? This is a lot similar to Bahama. Like not maybe the shade but the formula. Bahama? I'm using the Victoria Secret. Oh my god, this is blinding. Just same blue highlighter. Look at that. This is blinding. This is really nice. See, if it's a bestseller and if people like it, obviously they like it for a reason, right? Yeah. I really like using this brush because I don't like my highlighter to go all over my cheeks. And it's better to pick less and then apply the quantity that you want rather than. You said you don't know how to make up. I know, but yeah. It grows on time. It grows. I never knew all of this before. Like, imagine me, I even used to apply lip balm. So, you guys know. When you have interest in something, If I can do it, anyone can do it. Swiss Beauty? Yeah. Wow. That's I just thought ki let's try this because Maybelline ka 500 rupees ka ye liner lene se acha I thought ki I will try it out. So that's the reason. Ab to mujhe koi nude lagana padega. Hmm. Koi na? Nude lagana padega. Victoria Secret. So yeah, it's a lot of others. You did not see the shades. See. Oh my god. What options I have. This is Smashbox ka wo na? Guys. Now you pick a shade. Drive a secret.
तुम पे ग्लॉस भी लगा लोगी ना? हाँ, इसके साथ एक ग्लॉस लगाना ही बटन वाली वाला, तुम पे ये कलर बहुत अच्छा लगता है। ट्राई टू सी, इट लुक्स वेरी नाइस ऑन पिक्चर्स, बहुत अच्छा लगता है। नो आई गो अप ब्लॉग व्हेन आई वोर द ऑरेंज ड्रेस, आई वाज बोथ लाइक वेयरिंग दिस एंड द अदर डे द पिक्चर्स लुक्ड नाइस टुगेदर। My God, my lips. are these like my lips? Are this my lips? Is this me? Exactly that happened. Like, dude, that looks. It's not drying at all, lah. No. And it's the most long-lasting lipstick that I've ever used. इससे पहले भी मैंने collaboration किया था Megha से, और वो यहाँ कोलकाता में थी, मैं वहाँ गुड़गांव में थी, हमने एक दूसरे के लिए makeup pick किया था, Pinterest से, और फिर challenge किया था एक दूसरे को, and then we did that makeup look. And now we are collaborating in person, so that's how the relationships grow. We were like thinking, kya kare yaar, distance mein, there's nothing we can do. But then the collab happened. Yes! So I'm using this, what is it? And this about this lip balm. This is the lip gloss from Wet n Wild. You got it from this website, is it good? Pop makeup, yeah. I've never ordered it. Yeah, basically, even Nykaa sells or Myntra ka bhi Hawk makeup ka hi hota hai. The hawk makeup people, yeah, the people who import the products. Okay. And I've seen a lot of like different products in their website though. Yeah, so it's in the shade, what is it? Featherless. I love the packaging. It's nice. Packaging is quite different. Yeah, it is. Aisa matlab maine dekha nahi. Oh my God, this is so good. Just from the centers. It looks so nice. The whole look looks so nice. Does it? Yes. I have no idea what I did. It does. So I hope you like today's collaboration. Megha ke channel pe jaake zarur blindfold challenge dekhna, kyunki wo kya kaam kiya hai humne. amazing. Aapko bahut maza. This is a problem with me, pata hai. Aapko bahut sara maza aane wala hai us channel pe wo video dekh ke. Main iski guarantee leti hu. Main yahan pe iski guarantee leti hu. To zarur aap log itna sara pyar dete rehte ho. Thank you so much Megha ko bhi bahut sara pyar do. She is so good. Aur हम आप सबने की वीडियो मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, सी या।